तो दोस्तों अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों सोशल मीडिया पर फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है। फैंस अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि कोरोना के बाद से अक्षय की यह पहली ऐसी फिल्म है जो थिएटर पर रिलीज़ हो रही है। हालांकि इससे पहले भी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में भूज, मिमी और शेरशाह जैसी बड़ी फिल्में भी अमेजन, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई थी। ऐसे में फैंस को अक्षय की बेल बॉटम का बड़ा इंतजार था। अब जाकर फिल्म रक्षाबंधन स्पेशल वीकेंड पर रिलीज़ की जा रही है। त्योहारों का मौसम और लंबा वीकेंड है, ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इसका अच्छा फायदा हो सकता है। दोस्तों पूजा फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म को लेकर बेशक लोगों की एक्साइटमेंट बरकरार है, लेकिन महाराष्ट्र अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। सिनेमाघरों में 50% ऑक्यूपेंसी रूल लागू है। कुछ जगहों पर लेट नाइट शोज भी अवेलेबल है, लेकिन सभी सिनेमाघरों के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बावजूद इसके माना जा रहा है कि फिल्म की ओपनिंग 5 से 7 करोड़ के बीच हो सकती है। हालांकि इसके बाद अक्षय की फिल्म बेल बॉटम के पास कमाई करने के लिए 3 और दिन है। ऐसे में माना जा रहा है कि अक्षय की फिल्म के पास कलेक्शन के लिए काफ़ी समय है और फिल्म 4 दिनों में अच्छा खासा कलेक्शन जुटा लेगी। वहीं दोस्तों बता दें, इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी मुख्य भूमिका में नज़र आने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार कुछ वक्त पहले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के द कपिल शर्मा शो पर भी पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर अक्षय और कपिल की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें अक्षय कपिल शर्मा के पैर छूते हुए नज़र आए थे। दरअसल अक्षय कुमार कपिल शर्मा से आशीर्वाद लेते नहीं, बल्कि उनकी टांग खींचते हुए नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी बेल बॉटम के लिए एक्साइटेड हैं तो फिल्म आज ही रिलीज़ हो चुकी है, जल्द से जल्द देखें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसे लगी। धन्यवाद।